किसी किसी कलखंड में देवी ने कहा था कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू, और महेश बाबू के पास इसका जवाब नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइम पर मिस्टर टैगबुल जो नहीं था। लेकिन अब ये सवाल कोई मादा आपसे पूछ ले तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप चुटकी छोड़िए, हम आपको पूरा सिंदूर बनाने का प्रोसेस बताने वाले हैं। तो अपने कलेजे को थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं सिंदूर वाले ऐतिहासिक सवाल का जवाब। वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिंदूर फैक्ट्री में बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में एक सिंदूर एक पौधे के फल से सिंदूर तैयार होता है। सिंदूर के फल लाल रंग के होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, इसी बीज की मदद से सिंदूर तैयार होता है। सिंदूर के फल को उगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये होता है कि नर्सरी की मदद से उगाए गए पौधे की मदद से, और दूसरा तरीका ये कि कलम किए गए पौधे की मदद से सिंदूर बनाने में मदद मिलती है। अगर आप नर्सरी वाले पौधे से सिंदूर बनाते हैं तो आपको काफी टाइम लग जाता है, वहीं अगर आप नर्सरी वाले का इस्तेमाल ना करके कलम वाले पौधे का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी जल्दी रिजल्ट मिलेगा। और नर्सरी के मुकाबले कलम वाले पौधे ज्यादा अच्छे होते हैं और इसके फल का सिंदूर काफी अच्छा बनता है। तो अब बारी आती है इसके पौधे को लगाने की, लेकिन इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसके पौधे को बिक्स ऑरेलाना के नाम से जाना जाता है, और इसके पौधे को लगाने के लिए एक बड़ा गड्ढा किया जाता है। गड्ढा करने के बाद इस गड्ढे में खाद को डाल दिया जाता है। उर्वरक डालने के बाद उसे अच्छे से बंद करके उसे पानी दिया जाता है, और इसके साथ धूप भी मिलना जरूरी है। इसके बाद बिक्स ऑरेलाना का फल आने में लगभग 3 साल लग जाता है। जब इनके फल आ जाते हैं तो इसके फल सरसों की तरह छोटे छोटे दानों की तरह होते हैं, और इसके फलियां मटर जैसे चपटे होते हैं। शुरू में इसके फल हरे रंग के होते हैं, धीरे धीरे ये लाल रंग के हो जाते हैं, और साथ ही इनका साइज भी थोड़ा बड़ा हो जाता है। लाल रंग होने के बाद आखिर में इसके फल का रंग भूरे रंग का होता है और सूख जाता है। भूरे रंग होने पर इसको फल के पौधे से अलग कर लिया जाता है। सभी फल से उसकी फलियां निकाली जाती हैं। इन्हें निकालने के लिए मशीन की मदद ली जाती है। सभी फलियों को अलग करके उन्हें अच्छे से साफ किया जाता है ताकि सिंदूर बनाने में कोई गंदगी ना जाए। सफाई के बाद सभी फलियों को एक साथ रखा जाता है और धीरे धीरे करके सभी फलियों को ग्राइंडर मशीन की मदद से पीसा जाता है। इसे एकदम बारीक पीसा जाता है, जिसके बाद हमारा एकदम शुद्ध सिंदूर बन के तैयार हो जाता है। तैयार हुए सिंदूर को अब पैकिंग के लिए भेजा जाता है। पैकिंग के बाद सभी सिंदूर के पैकेट को बाजार में बिकने के लिए रवाना कर दिया जाता है। पैकिंग सिंदूर के साथ साथ काफी लोग सिंदूर को खुला लेना पसंद करते हैं, तो कुछ तैयार सिंदूर को खुला ही बाजार में बिकने और आपके लिए भेजा जाता है। और बात रही एक चुटकी सिंदूर की कीमत की, तो आज के मार्केट भाव के हिसाब से इसकी कीमत सिर्फ 20 पैसे होते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।